लेकिन जब अखिलेश यादव पहुंचते हैं मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने तो कहते हैं ना मोदी ना योगी दोनों सुरक्षा कर ही नहीं पा रहे हैं। अतीक को सुरक्षा नहीं मिली, मुख्तार अंसारी को सुरक्षा नहीं मिली, विकास दुबे को सुरक्षा मिली क्या? विकास दुबे तो इंसान था, आप हिंदू मुस्लिम दिखा दिए, वो मरे तो मुस्लिम, विकास दुबे के इंसान नहीं था उस, जो अपने जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। विकास दुबे भी तो इनकाउंटर मारा गया, उसकी गाड़ी पलटी, उसका तो सवाल नहीं है। मुख्तार अंसारी अंसारी बस आप सवाल किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है भाई? आप भेदभाव दिखा रहे हैं, उससे घर पर तो जाना चाहिए था, वो भी तो इंसान था, था ना इंसान। तो अपराधी अपराधी होता है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं होता। पहली बात तो मतलब लिखा हुआ कि मुसलमान मतलब समाजवादी पार्टी का है, कांग्रेस का है, भाजपा का नहीं है, मतलब लिखा हुआ कहीं है। अरे भाई हमारी इच्छा है, हम पढ़े लिखे युवा हैं, हमें दिखता है किसने किसने क्या किया, हम उसको वोट देंगे। मुसलमान के नाम पर वोट नहीं जाता, इंसान अपने कामों पर वोट ले जाता है, और कोई कोई पार्टी भी काम करके दिखाए उसको वोट दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं उस सीट पर मौजूद हूं, और आखिरकार 10 साल में काशी के बुनकर मुस्लिमों की क्या तस्वीर बदल पाई, यही जानने आप पहुंचा हूं। और मेरे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, सीधा इन्हीं से जानूंगा कि 2014 में जिताया, 2019 में जिताया, लेकिन 24 में जिता रहे हैं या फिर मोदी को बार हरा रहे हैं। सीधा आपसे बात करते हैं, चाचा क्या नाम है आपका? हाजी हमीदुल। हाजी साहब, 2014 आपने जिताया, 2019 जिताया, अब 24 का चुनाव है। अगर बात करूं आप लोगों की, आप बुनकर हैं, यहां पर बहुत बड़ा व्यापार है, लेकिन क्या मोदी सरकार के आने के बाद मुस्लिम काशी के बुनकर की कुछ तस्वीर बदल पाई? बुनकर काशी के जो बुनकर हैं उनकी तस्वीर 2014 के बाद आने के बाद बहुत बदली है जी। जिसका एक रूप आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, जो उड़ीसा से आए हुए हैं। इस जो 2014 के पहले कोई यहाँ दर्शन करने के लिए नहीं आता था, जब से मोदी जी आए हैं, जो कॉरिडोर बनाए हैं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि हमारे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जो आते हैं तो साड़ी भी लेके जाते हैं, उससे हम लोगों को बुनकरों को एक बिजनेस मिला हुआ है माननीय मोदी जी के द्वारा, जो हम लोगों पहले ये 2014 के पहले नहीं था। लेकिन इस बार जो मतलब कि मोदी जी 14 के बाद आए हैं तो हम लोगों को एक बिजनेस दे के गए हैं यहाँ, मतलब कि आते हैं लोग दर्शन करने के लिए तो एक साड़ी भी खरीद के लेके जाते हैं। और रह गया तस्वीर जो बदली है, वो तो 2014 के बाद बहुत अच्छा काशी हो गया। पहले की सरकारें जो थी 14 के बाद, जैसे कांग्रेस 70 साल राज किया उन्होंने, लेकिन ये बनारस की तस्वीरें बदल नहीं पाई थी। लेकिन मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने कहा था कि हम इसको बदल देंगे, टोक्यो बनाएंगे, तो वो बनाया उन्होंने। अभी कुछ बाकी उसको भी बना रहे हैं, कुछ बाकी उसको बना रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि 2024 तो बहुत टफ है मोदी जी के लिए। 24 में तो अब की बार सरकार जा रही है, अखिलेश जी का गठबंधन जो है, राहुल जी का गठबंधन जो है, अरविंद केजरीवाल साहब का गठबंधन जो है, अब की बार मोदी जी को बहुत सफाया कर रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हमारे अखिलेश जी हैं वो कह रहे हैं कि इस बार मतलब कि सफाया होगा, अगर सफाया होता तो 14 में हो जाता, ये अखिलेश जी का ही सफाया हो गया। इस बार हमारे क्षेत्र के बनारस के मुस्लिम वर्ग जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि वोट करेंगे मुस्लिम समाज के बुनकर करेंगे, इसलिए कि जो मोदी जी की योजनाएं चली हैं, जो उन्होंने की योजना, तो सबको लाभ मिला है, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, यानी हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं किया, सबको योजना का लाभ मिला। अभी लाभ मिल रहा है, जैसे आवास योजना हो गई, आयुष्मान कार्ड हो गया, राशन हो गया, ये सबको मिला है, सबको मिल रहा है। तो ओवैसी साहब आए हैं, ओवैसी साहब बड़ी बातें कर रहे हैं, ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को पहले बसपा ने लूटा, सपा ने लूटा, भाजपा लूट रही है, अब की बार मुसलमान एकजुट हो जाओ, ओवैसी को जिताओ, अब की बार तो ओवैसी पूरा ताल ठोक रहे हैं। पहली बार बनारस में आए हैं, काशी में, बनारस में आए हैं, ताल ठोक रहे हैं। आज शाम को हमें जैसे मालूम हुआ है कि उनकी जनसभा है, आप देखेंगे इधर उधर के लोग मतलब कि तमाशगीर जो रहेंगे, तमाशा देखने वाले जो भीड़ इकट्ठा मतलब कि जाति की आई है, बस उसका देख ले, उसकी जनसभा है, देख ले क्या जाएंगे, लेकिन वोट वोट कोई नहीं देगा उनको, खाली ऐसे जाएंगे देख कर चले आएंगे। ओवैसी को वोट नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं, ओवैसी को वोट क्यों, रहनुमा बता रहे हैं मुस्लिमों का, बताने से क्या होता है भाई, रहनुमा बताने से क्या होता है, कभी करके कुछ दिखाया, बोलने से ऐसे क्या होता है,
मोदी जी ने जो कहा है वो किया है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सबको लेकर साथ चल रहे हैं, सबका उसको फायदा मिल रहा है, इसलिए बुनकर समाज पूरा मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है, इस बार सपोर्ट करेगा, वोट करेगा उनको। मुस्लिम ठोक के साथ है, ठोक के साथ है मुस्लिम एकदम। यानी काशी से नया संदेश जा रहा है, नया संदेश काशी से जा रहा है इस साल। ये काशी के लिए है कि पूरे देश के लिए? पूरे देश के लिए इस बार 10 लाख पार, 10 लाख पार, 10 लाख पार मोदी जी का ये नारा है, 400 पार तो हम लोगों काशी में, ये नारा है इस बार 10 लाख पार, 10 लाख पार, 10 लाख पार। अच्छा हाजी साहब, ये सवाल तो हालांकि महिलाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप हाजी भी हैं, सीनियर भी हैं। जिस तरीके से 3 तलाक की बात हुई, 3 तलाक की चर्चा हुई, प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 तलाक एक कुप्रथा है और हम उस पर एक कानून भी लेकर आएंगे। 3 तलाक में जो बदलाव किया गया उससे आप लोग सहमत हैं? आप मानते हैं कि बहनों के लिए सम्मान में मोदी सरकार ने काम किया और मुस्लिम महिलाएं नहीं बल्कि मुस्लिम पुरुष भी इससे खुश हैं? नहीं, इससे जो मोदी जी, माननीय मोदी जी ने कानून लाया 3 तलाक वाला, ये तो इससे पूरा हम लोगों के जो समाज है ये पूरा समाज ही इससे खुश है, इसलिए कि मतलब कि समाज में एक ये प्रथा थी 3 बार तलाक तलाक कहे के तलाक दे देने की, जो मतलब कि नीचे तबके के लोग रहते थे वो अक्सर मतलब कि तलाक दे देते रहे, तो हमारी बहनों को बहुत तकलीफ होती रही उसमें, जो अच्छे लोग हैं वो कभी इसमें नहीं पड़ते रहे 3 तलाक में, तो नीचे तबके के जो लोग थे वो मतलब 3 तलाक कह देते थे, इसमें मतलब कि बहुत अच्छा हुआ ये हमारी बहनों के लिए जो मोदी जी ने किया है कि इससे हमारे समाज में जो थोड़ा सी कमियां थी वो दूर हो गई। अब की बार लग रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं? आ रहे हैं, इस बार मोदी जी आएंगे, एकदम ठोक के आएंगे, ठोक के आएंगे। चाचा आप बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बाकिर। मोहम्मद बाकिर। मोहम्मद बाकिर साहब, क्या है मुसलमानों का मन अब की बार? मुसलमानों का मन एकदम सब भाजपा को जिताना है। काहे? अरे अच्छा काम मोदी जी का, वो गठबंधन तो बोल रहा है कि अब की बार हटा दो गठबंधन, तो बंधन में कुछ बात की चला जाएगा फंस के चला जाएगा। राहुल भैया ने साइकिल को थाम लिया है तो साइकिल की हंडी अलग हो जाएगी अरे वो कह रहा साइकिल तेज दौड़ रही है, तेज पंचर हो, चक्का निकल जाएगा, चक्का निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। अरे अखिलेश जी तो मुख्तार के परिवार से भी मिले? मुख्तार के परिवार से मिले वो तो भाईचारा, किसी की आमंत्रित होना कोई गलत बात तो है नहीं। हाँ। जाना मुकाम देना जरूरी है। हाँ। जब कोई हो वो तो कह रहे हैं तस्वीर बदल जाएगी अब की बार, मुस्लिम एकजुट होकर समाज भी बदल गई, पहले से कैसे था कैसे हो गए, क्या बदल दिया 10 सालों में? बहुत कुछ बदल दिया, कभी बत्ती नहीं थी आज बत्तियाँ मिल रही है, कायदे की सड़क नहीं थी सड़क है, रात के इंग्लो जिसमें विदेश में चल रहे जी टी रोड पर, कहा चाहिए अब कभी भी अपनी लाइफ में ये सुनते थे हम कि बनारस में बंदरगाह नहीं है, बंदरगाह बन गई, ये मोदी जी की देन है। बनारस में बंदरगाह बन गई और सीधा एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप लोगों के लिए बड़ा फायदा? फायदा तो है ही है, क्यों नहीं फायदा रहेगा, कोई चीज का बिजनेस चलने लगा फायदा ही फायदा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि 10 साल से तो मोदी जी को दे दिया, आपकी बार बदल के देखो राहुल गांधी को, सुन तो लीजिए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए इस बार। अभी राहुल गांधी जब बनाना बन नहीं पाएंगे, वो मोदी ही जी रहेंगे। मुसलमान साथ देगा? क्यों नहीं साथ देगा, बेगर साथ दे भी सब यहाँ पर। वो तो कह रहे हैं कि मुस्लिम अब की बार सिमट गया, हट गया मोदी से। हर में अपोजिट है, मुस्लिम में भी अपोजिट है, हम माफिक में भी है, तो चलता रहता राजनीतिक में। अच्छा, उनका डेमोक्रेटिक में सबको अधिकार है बोलने का। अच्छा ये बताइए, अखिलेश जी पर, राहुल जी पर, प्रियंका दीदी पर, अरविंद केजरीवाल साहब पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे आप लोग? हम नहीं विश्वास कर रहे, मोदी जी सबसे बड़े विश्वासी हैं देश के। हाँ। देश हित में जैसा उन्होंने काम किया है किसी ने नहीं किया है, देश हित में मोदी जी काम कर रहे, आप साथ एक नंबर का काम किया है, तो लग रहा है आपकी बार मोदी सरकार। हैं भाई साहब, आप तो युवा हैं, आप बताइए क्या बदला, क्या नाम है आपका? फहद जमाल। फहद जमाल साहब, क्या तस्वीर बदली, आप लोग तो बहुत सालों से देख रहे होंगे, 14 में पहली बार जिताकर संसद बनाया था, वादे मोदी जी ने किए, वो वादे पूरे भी हुए या अधूरे रह गए? सारे वादे उन्होंने पूरे किए हैं, यहाँ तक कि वादे से ज़्यादा उन्होंने पूरा किया है। जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, हर तरह की सुरक्षा समाज में मिल रही है, महिलाओं की सुरक्षा है, बच्चों की सुरक्षा है, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, हर तरह का जो है काम हो रहा है, बहुत काम किया उन्होंने। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं गद्दी पा जाते हैं, भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है गद्दी पा जाती है, अब की बार जागरूक हो गए, अब की बार तो मोदी जी को हरा देंगे? उनके पास देखिए और कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुसलमान छोड़ करके वो सिर्फ
इसी काम में पड़े हैं कि वो हिंदू और मुसलमान दिखाएं और वोटों को बांटें, जबकि मोदी ने कहा है, मोदी जी का ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो उन्होंने सबका विश्वास जीता है। ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, ओवैसी साहब आते रहते हैं, उनका कोई वो नहीं है, वो आए काशी आए, कह रहे हैं अब की बार तस्वीर बदल के जाएंगे, आए यहाँ की चाय पिए, चाट खाए, चले जाएं, चाट पिए चले जाएं जी। उनका भाई वो किसी को हम लोग मना थोड़ी ना कर सकते हैं यहाँ आने के लिए, तो स्वागत करिए उनका, उनका समर्थन करिए, चुनाव में जितवाइए ओवैसी की टीम को। स्वागत तो सिर्फ मोदी जी का है, दिल से है। अच्छा जी हाँ। और पंजा साइकिल वो कोई हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग मोदी जी के जो समर्थक हैं उन्हीं को वोट करेंगे। मोदी के समर्थक हैं जी हाँ, मुस्लिम मोदी के साथ। 2014 से लेके अब तक का आप काम देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, सुरक्षा देख लीजिए, हर नागरिक खुश है, यहाँ कारोबार मिल रहा है, और हम लोग देश को प्रधानमंत्री देते हैं, सांसद तो जिताते ही हैं, साथ में प्रधानमंत्री भी देते हैं, जो कि पूरे विश्व में जो है हमें लीड करता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जीतते हैं तो सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनते हैं। भाई साहब क्या नाम है? शाहिद खान। शाहिद खान भैया ने कहा कि हम सांसद नहीं चुनते, हम प्रधानमंत्री चुनते हैं। दो बार से तो प्रधानमंत्री को चुन लिया, अब की बार क्या मन? किसी बार चुनेंगे प्रधानमंत्री? राहुल भैया को नहीं, मोदी जी चुनेंगे, मोदी जी को चुनेंगे। क्यों? आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? बदौलिया से। आपने यहाँ की रोडें देखी? देखी आपने चौराहे देखे हैं जी? आप अगर या सोशल मीडिया जुड़े हैं तो 2014 के पहले की रोडें, तस्वीरें, यहाँ के एरिया देखिए, आपको खुद लग जाएगा कि यहाँ के लोग मोदी जी को कितना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, विकास के नाम पर चाहते हैं भाई, और क्यों ना वोट दें। एक आम आदमी को क्या चाहिए? पानी, रोटी, कपड़ा और मकान, वो सब मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है, अच्छा मिल रही है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अरे हम उनको लाएंगे भाई जिन्होंने विकास किया, जिन्होंने बहन बेटियों की इज्जत दी, जिन्होंने सबको पक्का मकान दिया, जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत कम से कम 50,000 मुस्लिमों को यहाँ का इलाज दिया, जिनके पाँच रुपए नहीं थे इलाज करने, 5 लाख का इलाज दिया। हम जिससे एक नॉर्मल आदमी के पास पैसा नहीं हो, किसी की टांग टूट जाए, तो वही आयुष्मान भारत योजना कार्ड के तहत इलाज हुआ है, मुफ्त इलाज कराया है लोगों ने। तो गरीब आदमी के लिए जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास अन्न नहीं है, खाने को अन्न दिया और बिजनेस दिया, अच्छा विकास दिया, यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ का व्यापार बढ़ रहा है, तो मोदी जी को विकास के नाम पर और उनके कामों के नाम पर वोट दिया जा रहा है। लेकिन जब सरकार विपक्षी दल आएंगे वोट मांगने के लिए, वो कहेंगे आप तो मुस्लिम हैं, आप कहाँ कमल का फूल का बटन दबा रहे हैं भाई, आप तो मुस्लिम हैं, आप तो हटाइए मोदी को, अब की बार भाजपा को हराइए। सब मतलब लिखा हुआ कि मुसलमान मतलब समाजवादी पार्टी का है, कांग्रेस का है, भाजपा का नहीं है, मतलब लिखा हुआ कहीं है। अरे भाई हमारी इच्छा है, हम पढ़े लिखे युवा हैं, हमें दिखता है किसने किसने क्या किया, हम उसको वोट देंगे। मुसलमान के नाम पर वोट नहीं जाता, इंसान अपने कामों पर वोट ले जाता है, और कोई पार्टी भी काम करके दिखाए उसको वोट दिया जाएगा। अब मुसलमान जागरूक हो चुका है, मोदी जी के आने बाद मुसलमानों ने देखा किस तरह विकास हुआ, मतलब पहले के लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान कर और मुसलमानों को अपना वोट बैंक मान देते हैं। हमेशा समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को वोट बैंक माना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं, ये वोट बैंक नहीं, ये हमारे लोग हैं, इनका अगर वोट लो तो इनके लिए काम करो। और उन्होंने आप उठा के देख लीजिए, आरटीआई की रिपोर्ट लीजिए, अब तक बनारस के अंदर मुसलमानों को सबसे ज़्यादा पक्का मकान दिया गया। ग्रामीण योजना के अंदर आप जाइए और लगातार आप देखिए जो आप वहाँ आप किसी गांव में चले जाइए, पक्का मकान के साथ साथ सुलभ शौचालय भी, जो महिलाएं रात के अंधेरे में रात होने तक इंतज़ार करती थी कि रात हो तो हम जाएं, रात हो तो हम सुलभ शौचालय जाएं, लेकिन मोदी जी ने इतना बढ़िया घरों के अंदर शौचालय दिया कि नहीं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत किया। और आज घर की औरतें आप देखिए 12 बजे 11 बजे खुलेआम घूमती हैं, पहले था छिनौती, गुंडागर्दी, फ़ोन पर पैसे मांगना, आज ये सब नहीं है, आज अधिकार है, पुलिस का राज है, पुलिस करती है, आपके साथ 24 घंटा खड़ी है, इसमें प्रशासन का भी अहम रोल है। कोई तरफ आप देखेंगे, सब जगह देखेंगे सुख और शांति है, हम उसको वोट देंगे। लेकिन जब अखिलेश यादव पहुंचते हैं मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने, तो कहते हैं ना मोदी ना योगी, दोनों सुरक्षा कर ही नहीं पा रहे हैं, अतीक को सुरक्षा नहीं मिली, मुख्तार अंसारी को सुरक्षा नहीं मिली। विकास दुबे को सुरक्षा मिली क्या? विकास दुबे तो इंसान था, आप हिंदू मुस्लिम दिखा दिए, वो मरे तो मुस्लिम, विकास दुबे के इंसान नहीं था, जो अपने जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। विकास दुबे भी तो इनकाउंटर मारा गया, उसकी गाड़ी पलटी, उसका पर तो सवाल नहीं है, मुख्तार अंसारी सारी बस आप सवाल किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है भाई, आप भेदभाव दिखा रहे हैं, उसके घर पर तो जाना चाहिए था, वो भी तो इंसान था ना, इंसान तो अपराधी अपराधी होता है,
वो हिंदू मुस्लिम नहीं होता, पहली बात तो। धर्म के नाम पे वोट नहीं डालेगा? नहीं डालेगा, क्यों डालेगा भाई? धर्म के नाम पर वोट कभी नहीं पड़ा और ना पड़ेगा, कि मुसलमान जागरूक हो चुका है। मुसलमान को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छा काम चाहिए, अच्छी लाइटें चाहिए, वो सब मिल रहा है बिल्कुल। क्या कहना चाहता, कह रहे मुसलमान जागरूक हो गया, धर्म के नाम पे वोट नहीं? नहीं नहीं, धर्म के नाम वोट नहीं पड़ता है, पक्की बात? पक्की बात है। क्या भाई साहब इधर आइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जसीम। मोहम्मद जसीम। जसीम, कुछ बदला? हाँ बदलाव तो है, सन 2014 से लेकर अब तक का बदलाव, फिर उसके बाद जब दूसरी बार मोदी आए उसके बाद भी बदलाव हुआ है अच्छा खासा। सड़कों पर योजनाएं जितनी निकली वो सब बना है, आप तो खुद ही देख रहे हैं कि कितना बदलाव हुआ है। करते हैं आप? हम तो बुनकर हैं। बुनकर हैं? हाँ। बुनकरों की तस्वीर कुछ बदली या बुनकरों के लिए वादा किया मोदी जी भूल गए? नहीं नहीं, बहुत बदल गई, आप तो देख ही रहे कितना बदल गया। पहले क्या था, आप क्या है, आपसे तो बहुत सारा बदलाव हो गया है। और अच्छा, पहले लुंगी पहनते थे, आप देखिए पैड पर आ गए। पहले लुंगी पहनते थे चाचा की तरह, अब पैड पर आ गए। अब जींस के पैंट पहनते हैं। तो अब इतना बदलाव हो गया तो क्या बताएं उसको हम। खुश हैं? हाँ बहुत खुश हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि ओवैसी साहब आए हैं तो कहेंगे कि भैया हमारे साथ आओ तो युवा ओवैसी के पीछे पीछे भागेंगे? नहीं नहीं, समाज देखिए, ओवैसी साहब जो कहते हैं वो उनका डिबेट है, वो जाने, हमारा काम है नरेंद्र मोदी को लाना। नरेंद्र मोदी को लाना? और उन्हीं को हम लाएंगे, और इस बार फिर से वो इंशाल्लाह भारत के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। क्या कहेंगे भाई, क्या नाम है? साहिद। साहिद? साहिद। साहिद, कह रहे अब की बार सांसद नहीं प्रधानमंत्री को चुन के? फिर सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत बड़े खुशनसीब अपने आप को समझेंगे कि मोदी जी हमारे सांसद है, वो भी देश के हमारे प्रधानमंत्री है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और क्या काम नहीं किया है, आप आए हैं, मीडिया से जुड़े हैं, आप 10 जगह जा रहे हैं, रोपवे का काम यहाँ चल रहा है, पर्यटक इतने ज़्यादा खास हाँ आमद में आ रहे हैं, इससे रोज़गार मिल रही है बुनकरों को, और क्या चाहिए भाई। पहले 24 घंटा बिजली नहीं थी, बिजली है आज 24 घंटा, बिजली है 24 घंटा, सड़क की हालत आप देख लें पहले क्या थी आज का है। मैंने सुना बुनकरों के लिए बिजली मुफ्त भी दी है, कुछ ऐसी भी योजना? बुनकरों के लिए बिजली के लिए अभी बात कुछ है, मोदी जी के संज्ञान में है और महाराज योगी जी भी है उस पे लोग। योगी? हाँ, वो योगी, योगी जी हैं महाराज जी। हाँ, वो भी अब बुनकरों के लिए सोच रहे हैं, मीटिंग उनकी चल रही है बुनकरों के लिए, उनके हक में वो अच्छा फैसला लेंगे बिजली के लिए, अभी थोड़ा सा है, अब देखिए आगे चुनाव के बाद। हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं? अब सब दौर खत्म हुआ हिंदू मुस्लिम का, अब पब्लिक जागरूक है, वो सब दौर खत्म हो गया 70 साल पहले वाला। लेकिन कहते हैं कि साइकिल वाली पार्टी तो रहनुमा रही। अब साइकिल चलाता कौन है, बच्चे चलाते हैं, अब साइकिल चलाता कौन है, बच्चे चलाते हैं, बड़े आप किसी को देखे हैं? वो बहुत बेचारा मजबूर है तो चलाता है, अब तो सबके पास तो गाड़ी है, सबके पास गाड़ी है। हाँ, तो मोदी जी देखेंगे मोदी के साथ। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। मोहम्मद अनीस जी, कह रहे हैं विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है, वो तो सभी को दिख रहा है विकास हुआ है, पूरे बनारस शहर वासियों को दिख रहा है विकास हुआ है। आप पूरा बनारस में टहलिए घूमिए देखिए। मुस्लिम विकास पर वोट डालेगा कि हिंदू मुसलमान पर वोट डालेगा, जो भड़का जो आएंगे बहकाएंगे आपको ले जाएंगे? बिल्कुल विकास पर डालेगा, जो मुसलमान देख रहे हैं, जो चीज़ हुआ है विकास हुआ है, हर जगह रोडे बनी है और हर चीज़ का लाभ मिला है, जो उन्होंने वादा किया है मोदी जी और योगी जी ने जो वादा किया था सबको लाभ मिला है उसका, बिल्कुल सत्य है, और विकास के ही नाम पर उनको वोट मिलेगा इस बार, फाइनल 100% आना है उनको, और 10 लाख पार हाजी साहब ने जैसे कहा तो इस बार इंशाल्लाह 10 लाख पारी है। हाजी साहब बिल्कुल आखिरी सवाल, हिंदू मुस्लिम पे नहीं होगा? नहीं वोट नहीं होगा हिंदू मुस्लिम पे नहीं होगा। अखिलेश भैया, राहुल भैया, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, ये सब लोग ओवैसी साहब, ये सब लोग हैं खाली, मतलब कि अब बात कर रहे हैं, लेकिन कोई मुसलमान हमारे बनारस का कोई मतलब कि जातिवाद या धर्म पे कोई वोट नहीं देगा। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने कार्य किया है, माननीय योगी जी ने जो कार्य बनारस में किया है, सब कार्य के ऊपर वोट पड़ेगा, इस बार जो तो कार्य किया उस पर वोट होगा। तो चलिए देख सकते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, खासकर व्यापारी हैं, बुनकर हैं, लेकिन इनकी अपनी राय है, कह रहे हैं कि हम सांसद नहीं चुनते बल्कि यहाँ पर सांसद को वोट डालते हैं और वो सांसद देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, काशी बनारस से।